सुप्रभात बच्चों, मैं पुष्पा गुप्ता दिल्ली पब्लिक स्कूल बेतिया बानू छापर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप इस समय का सदुपयोग करें। जिस समय को आप घर पे बैठ के बिता रहे हैं, खेलने कूदने में बिता रहे हैं, उस समय का आप सदुपयोग करते हैं, कुछ नए चीज़ों को सीखें, नए चीज़ों को पढ़ें और नई जानकारी लें। इसके बाद मैं अपने मुख्य बिंदु पर आते हुए आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज तृतीय चैप्टर को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है मेरी नानी। इस शीर्षक का नाम है मेरी नानी, आओ गाए मेरी नानी। सब बच्चे अपनी नानी और दादी से बहुत प्यार करते हैं और उनकी नानी दादी भी उनसे बहुत प्यार करती हैं और उनको कहानियाँ सुनाती हैं और वो कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, बच्चों को बहुत पसंद भी आती हैं और बच्चे बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं। और इन कहानियों में कभी परियों की कहानी होती है, कभी गुड़ियों की कहानी होती है, कभी राजा रानी की कहानी होती है, तो कभी तितलियों की कहानी होती है। यानी विभिन्न तरह की कहानियों को लेकर हमारी नानी और दादी हमको सुनाती हैं और हम बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। तो इसी तरह आज के मेरे इस पाठ में एक बच्चा अपने नानी के बारे में बताते हुए उनके द्वारा सुनाई गई कहानी के बारे में एक गीत गाते हुए ये बताता है कि कितनी प्यारी मेरी नानी, रोज़ सुनाती एक कहानी, परियों की, गिलहरियों की, गुड़ियों की, लोमड़ियों की। यानी मेरी नानी जो है वो बहुत प्यारी है और वो हमको रोज़ एक कहानी सुनाती है। कभी परियों की कहानी सुनाती है, कभी गिलहरियों की, कभी गुड़ियों की, तो कभी लोमड़ियों की कहानी सुनाती है। ऐसे कर करके वो रोज़ एक नई कहानी सुनाती है। राजा रानी इसमें कितने सपनों में आते हैं जितने, राजा रानी इसमें कितने सपनों में आते हैं जितने, सबके राज बताती नानी, रोज़ सुनाती ये कहानी। यानी कि नानी की कहानी में राजा रानी की भी कहानी होती है। कितने सारे राजाओं महाराजाओं के बारे में हमारी नानी हमें बताती है और रोज़ एक कहानी सुनाती है, सब किसी के राज को बताती है। यानी राजा रानी कैसे रहे, उन्होंने अपना शासन कैसे किया, इसके बारे में वो राज एक बताती है और रोज़ इस तरह से मेरी नानी एक एक कहानी सुनाती है। तो इस तरह से बच्चों इस कविता को हम खुद भी दोहरा सकते हैं या पढ़ के दूसरे बच्चों को भी सुना सकते हैं कि कितनी प्यारी मेरी नानी, रोज़ सुनाती है एक कहानी, परियों की, गिलहरियों की, गुड़ियों की, लोमड़ियों की, राजा रानी इसमें कितने सपनों में आते हैं जितने, सबके राज बताती नानी, रोज सुनाती एक कहानी। अब बच्चों आपकी ये कविता समाप्त हुई और यदि यह कविता आपको पसंद आया हो तो आप इस कविता को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।